लगता है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के दिल कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। ग्रहों की दशा कुछ ठीक नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तो लंबे समय से जेल में बंद सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जमानत नहीं मिल पा रही है। ऊपर से इस संसद सत्र में संजय सिंह और राघव चड्ढा को सस्पेंड कर दिया गया। फिर सस्पेंडेड राज्यसभा सांसद संजय सिंह को शराब घोटाले में गिरफ्तार कर लिया गया और अब आम आदमी पार्टी के एक और सस्पेंडेड राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को पटियाला हाउस कोर्ट ने उनको सरकारी बंगला खाली करने का आदेश सुना दिया है। लेकिन क्यों, चलिए वो बताते हैं आपको। सबसे पहले तो आपको बता दें कि शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई पटियाला हाउस कोर्ट में हुई, जिसमें पटियाला हाउस कोर्ट ने अपने उस अंतरिम आदेश को वापस ले लिया जिसमें उसने राज्यसभा सचिवालय को राघव चड्ढा से बंगला खाली ना करवाने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ दायर सचिवालय की याचिका पर अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि बंगले का अलॉटमेंट रद्द होने के बाद राघव चड्ढा का उस बंगले में रहने का कोई औचित्य नहीं बनता है। राघव चड्ढा ये दावा नहीं कर सकते कि राज्यसभा के सांसद के तौर पर कार्यकाल पूरा होने तक उनका इस बंगले पर रहने का अधिकार बनता है। अब ये पूरा मामला आखिर है क्या और क्यों कोर्ट ने राघव को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या अब राघव को सांसद होने के चलते रहने के लिए सरकारी बंगला मिलेगा या नहीं, और अगर मिलेगा तो कौन सा, ये समझ लीजिए। दरअसल राघव चड्ढा को राज्यसभा सांसद बनने के बाद दिल्ली के पंडारा रोड पर टाइप 7 का बंगला आवंटित किया गया था। टाइप 7 के ऐसे बंगले सिर्फ उन लोगों के लिए अलॉट होते हैं जो 5 बार या उससे ज्यादा बार के सांसद हो या फिर सांसद बनने से पहले किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री या राज्यपाल का पद संभाला हो। इस प्रकार के बंगले अक्सर राज्य मंत्रियों, दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को आवंटित किए जाते हैं। अब राघव चड्ढा के बंगले को लेकर विवाद यहीं से शुरू हुआ क्योंकि राघव चड्ढा पहली बार सांसद बने हैं। नियमों के मुताबिक पहली बार बने सांसद को टाइप 5 या 6 का बंगला दिया जाता है। राघव को उस समय टाइप 7 का बंगला अलॉट किया गया, वो इसलिए क्योंकि उस समय टाइप 5 का सरकारी बंगला खाली नहीं था, जिसे बाद में खाली कराने के लिए जब सचिवालय की तरफ से राघव को नोटिस दिया गया तो वो कोर्ट चले गए, जहां पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने राज्यसभा सचिवालय को राघव चड्ढा से बंगला खाली ना करवाने का अंतरिम आदेश दिया था। लेकिन अब कोर्ट ने अपने उस आदेश को वापस लेते हुए राघव चड्ढा को बड़ा झटका देते हुए बंगला खाली करने का आदेश दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।